सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। सो आज का जो वीडियो का स्टार्ट है थोड़ा ऐसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप में ही हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सो आज फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कावासाकी के शोरूम पे, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूली लॉन्च्ड बाइक है कावासाकी की तरफ से, जो कि है कावासाकी Z650 RS, जो कि न्यूली लॉन्च्ड क्रूज़र कैफे रेसर सेगमेंट का बाइक है। तो आज उसका एक प्रमोशनल वीडियो शूट करेंगे कावासाकी के लिए। तो होता ही है कि सुबह सुबह मैं सो रहा था, 10 बज रहे दोपहर के 1 बजे अराउंड, एंड तभी मेरे को फ़ोन आता है कावासाकी से, क्योंकि मैं ऑलरेडी कावासाकी के लिए 2-4 शूट्स कर चुका हूँ। तो इसलिए मेरे को वो लोग फ़ोन करते हैं कि ऐसा ऐसा है कि नया एक बाइक आया है, तो क्या आप शूट करेंगे। सो आई थॉट चलो शूट कर लेते हैं, आज तो कुछ है नहीं काम, वैसे ऑफिस का भी छुट्टी है। सो आई टोल्ड देम चलो कर लेंगे, आते हैं थोड़ी देर पे। तो थोड़ी देर करते करते 4 बज गए। खैर जो है सो है, एंड डोंट वरी, आप लोगों को भी मेरे साथ लेके चलेंगे या। तो चलो फटाफट निकलते हैं। फ्यूलिंग करवा लिए को, क्योंकि लास्ट दिन मतलब कल के पहले दिन, जिस दिन मैं शांतिनिकेतन से वापस आया था, उस दिन पे फ्यूल पूरा लो हो गया था, मतलब पूरा ख़त्म था, मतलब बस 2 डंडी बचा हुआ था, तो लो फ्यूल लेवल था, इसलिए फ्यूल भरवा लिया। अभी ऑफ टू कावासाकी as soon as possible. जब से शांतिनिकेतन से आया हूँ, कोलकाता का ठंडी उतना ज़्यादा ठंडी नहीं लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों ऐसे क्यों रहा है। हालांकि डिफरेंस बहुत कम है, मतलब शांतिनिकेतन में थोड़ा सा ज़्यादा ठंडी है एंड कोलकाता में शांतिनिकेतन के मुकाबले थोड़ा कम ठंडी। नो भाई, यहाँ पे आके ठंडी मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही है, मतलब यहाँ बाकी लोगों को मैं देख रहा, जो लोग बाइक चला रहे हैं अभी, सब लोग स्वेटर या फिर फुल ओवर कुछ एक पहना हुआ है, फुल स्लीव पहना हुआ है। मैं अभी भी हाफ स्लीव में बाइक चला रहा हूँ, मैं मेरे को बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रहा है। एंड टाइम अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 4:30, सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला है, देखो आई एम इन हाफ स्लीव। हरिता 2.0। तो फाइनली कावासाकी के शोरूम पहुंच चुके हैं, चलो अंदर चलते फटाफट। हेलो। सो कावासाकी के शोरूम आते ही एक बहुत ही सही चीज़ दिखा है, ऑल न्यू 2021 ZX10R। आई है एंड
ZX10R के ठीक साइड पे एक और बाइक खड़ा है, अभी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो बट अभी नहीं दिखाएंगे। यही वो स्पेशल बाइक है जिसको शूट करने एक्चुअली मैं आया हुआ हूँ कावासाकी, एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था ZX10R 2021 वाला एडिशन यहाँ पे मिलेगा ऑन स्टॉक, बट व्हाट अ ब्यूटी। अभी तक ये शायद सोल्ड नहीं है ना, नॉट येट सोल्ड, ब्रांड न्यू कंडीशन में पूरा। सामने का थोड़ा पूरा ऑलमोस्ट थोड़ा सा अग्रेसिव लुक दिया हुआ है न्यू ZX10R पे, ऑलमोस्ट H2 के बराबर, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस मशीन। ओके सो दिखाई देता है बाइक कौन सा है। सो दिस इज़ द न्यू कावासाकी Z650RS। एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि आफ्टर मार्केट रिम्स जो है अलॉय रिम्स इसको गोल्डन पेंट करवाते हैं, स्पेशली क्रूजर या फिर कैफे रेसर स्टाइल जो सब मोटरसाइकिल्स होते हैं, बट कावासाकी ने कहा कि चलो ये हम ही कर देते हैं, ये ऑलरेडी गोल्डन रिम्स में आता है तो आपको आफ्टर मार्केट पेंट या फिर रैप करवाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द ओवरऑल लुक, स्पीडोमीटर दिखा देते हैं एक बार। ये मेरे को अच्छा लगा कावासाकी की तरफ से, मतलब एनालॉग भी है जो कि रेट्रो स्टाइल को सूट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, और साथ ही साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी है जो कि इज नेसेसरी फॉर एवरी राइडर्स आज के डेट पे, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके सो एक बार आपको थोड़ा वॉक अराउंड वीडियो दे देते हैं। सो एक बार इसको फायर अप करते हैं, देखते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। हालांकि वही Z650 का इंजन यूज़ किया हुआ है, बट स्टिल लेट्स सी। लाउड मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट से ही इतना ज़्यादा साउंड निकल रहा, तो सोचो आफ्टर मार्केट जो लोग लगाने में इंटरेस्टेड रहेंगे उनके लिए एक अलग साउंड एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड सामने में डुअल डिस्क वाला सेटअप किया हुआ है, मतलब वही ट्रेडिशनल रेट्रो राउंड शेप पे डुअल डिस्क। एंड इनिशियल रिव्यू अगर बोलो तो मतलब देख के जो मेरे को लगा इट्स प्रीटी गुड, मतलब Z650RS जो निकाला है कावासाकी ने इट्स प्रीटी गुड आई वुड से। इसका जो सबसे की फैक्टर है वो इसका कलर, मतलब वही पुराना जो ओरिजिनल कावासाकी पहले के ज़माने में जो आते थे, कैंडी एम्ब्रॉयडर्ड ग्रीन नाम है इस
कलर थीम का एंड व्हाट अ मशीन। ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत सही लगा क्योंकि कावासाकी यूजुअली जितने भी सारे बाइक्स निकालते हैं वो यूजुअली निंजा 650, निंजा 300 या फिर यहाँ पे दी माइटी 10R ऐसे टाइप का बाइक्स निकालता है कावासाकी। बट इस बारी में कावासाकी ने ये वाला निकाल के बहुत सही किया। मतलब जो लोग रेट्रो लुक मांगते हैं, जो लोग जिन लोगों का रिक्वायरमेंट थोड़ा रेट्रो थोड़ा क्लासिक स्टाइल होता है उनके लिए दिस इज़ अ परफेक्ट मशीन। सो कावासाकी का शूट इज़ डन एंड अभी बैक होम। ओके सो फाइनली बैक होम एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके वीडियो को करते यही पे क्लोज। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया देन लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप कावासाकी निंजा या फिर कावासाकी बाइक्स के फैन हो देन डेफिनेटली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना या एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे एंड साइनिंग ऑफ, बाय।